ये लड़की सड़क पार कर रही होती है, तभी अचानक इसे एक टैक्सी टक्कर मार देती है, जिससे वो जमीन पर गिरती है और इसकी मौत हो जाती है। ये सब इसका पिता देखता है, जो कि यहाँ इसे मिलने आया होता है। वो अपनी बेटी के पास आकर रोने लगता है, लेकिन अगले ही पल ये अपने आप को एक एयरप्लेन में पाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एक टाइम लूप में फंस चुका है। और हर दोपहर 12 बजे वो अपनी बेटी को एक कार से टकरा कर मरते हुए देखता है। जब पहली बार इसने टाइम लूप की पहली साइकिल में प्रवेश किया तो जॉर्ज ने सोचा कि वो एक बुरा सपना देख रहा है, लेकिन फिर इसे एहसास हुआ कि ये सब बिल्कुल इसके सपने के जैसा है, जिसमें सबसे पहले एक लड़की इससे एक फोटो की मांग करेगी, इसके बाद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और लास्ट में ये रोड पर एक कार एक्सीडेंट देखेगा जिसमें इसकी बेटी की मौत हो जाएगी। इसलिए जैसे ही जॉर्ज टाइम लूप की अगली साइकिल में प्रवेश करता है तो जॉर्ज जल्दी से अपनी बेटी को एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है, जिसमें जॉर्ज उसे उस जंक्शन पर मिलने से मना करता है। लेकिन जॉर्ज की बेटी गुस्से में होती है, ये अपने पिता की बात को नकार के उस जंक्शन पर पहुंच जाती है। जॉर्ज अपनी बेटी को बचाने के लिए तेजी से कार में निकलता है, लेकिन जब ये अपनी बेटी के पास पहुंचने वाला होता है तब तक एक कार उसकी बेटी को टक्कर मार चुकी होती है और जॉर्ज एक बार फिर से अपनी बेटी को अपने सामने मरते हुए देखता है।